Hello everybody, good evening. Welcome to an Academy Sapiens YouTube channel. This is Dr. Pranali Mishra, NEET UG Biology Educator on an Academy. और आज हम करने वाले हैं फुल सिलेबस बायोलॉजी मॉक. आज का जो मॉक होगा इसमें मैं आपको पहले बता देती हूँ व्हाट वी आर गोइंग टू डू. हम बिल्कुल नीट के पैटर्न पे चलेंगे. हम बॉटनी और जूलॉजी सेक्शंस को अलग ट्रीट करेंगे. बॉटनी में दो सेक्शन है हमारे पास, जूलॉजी में भी दो सेक्शन से हमारे पास. इस 35 में से आप सभी 35 अटेम्प्ट कर सकते हो. इस 15 में आपके पास चॉइस होती है कि यू अटेम्प्ट एनी 10 क्वेश्चंस. जूलॉजी में भी सेम चीज़ है, तो ये चीज़ हम करेंगे. और आखिरी में देखते हैं कि हमें बायोलॉजी में आउट ऑफ 360 कितने मार्क्स स्कोर कर पा रहे एग्जाम के 10 दिन या 15 दिन पहले. ओके, सो बता दीजिए बेटा अपने अपने फ्रेंड्स को कि मैम लाइव आ चुकी है, so that we can start with the session. Good evening everybody, good evening, welcome to the session. जब भी आप अनअकैडमी पे कोई भी सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो यू कैन यूज द कोड डॉक्टर प्रणाली लाइव. इससे आपको 10% ऑफ मिलेगा ऑन दी सब्सक्रिप्शन. ऑल इंडिया मॉक टेस्ट कंडक्ट करवा रही है अनअकैडमी. अगला टेस्ट जो है वो होने वाला है मॉक 2, दैट इज ऑन September 1st. तो प्रिपेयर्ड रहना 2 से 5 बजे 1 सितंबर को ऑल इंडिया मॉक टेस्ट देना. दिस टेस्ट इज कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट. बस आपको अन अकेडमी डाउनलोड करके यही कोड यूज करना है उसको देने के लिए, देन आप वे वाला क्विज जरूर दे पाएंगे. तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन. पहले बॉटनी कर लेते हैं फिर जूलॉजी कर लेंगे, ठीक है? बॉटनी जूलॉजी ऐसे करके शुरू करते हैं. ये रहा क्वेश्चन नंबर 1 और ये रहा सेक्शन ए. अब इसमें आपको क्या करना है, इसमें 1 to 35 आप सारे अटेम्प्ट करेंगे. अगर आपको आते हैं तो नेगेटिव मार्किंग का ध्यान रख के 36 से 50 तक आप एनी 10 अटेंड करेंगे, ठीक है? यू हैव अ चॉइस कि आप एनी 10 करेंगे तो भी चलेगा, ठीक है? तो शुरू करें आज का सेशन हम लोग. What is the common between man and house fly? Man में और मक्खी में क्या क्या चीजें कॉमन है? What is common between man and house fly? Question number 1. बस अब अच्छे से करते हैं पूरे सारे क्वेश्चन सेट है. तो मैन और हाउस फ्लाई दोनों ही किंगडम एनिमेलिया में आते हैं, है ना? इसके बाद फाइलम ही चेंज हो जाती है. मैन अलग है और ये हमारा आर्थ्रोपोड में है. तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट का सी. व्हाट इज कॉमन टू बैक्टीरिया मॉस एंड फंगस? बैक्टीरिया में, है ना, मॉस में एंड फंगस में क्या क्या चीजें कॉमन है? तो एक्चुअल में बैक्टीरिया के पास भी सेल वॉल है जो पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी है. ये तो अपना है ही, मॉस के पास तो प्लांटी है, प्लांटी के पास तो सेलुलोज की सेल वॉल रहती है, और फंगस के पास भी सेल वॉल है पर वो काइटिन की बनी है. पर बेसिकली सेल वॉल प्रेजेंट तो क्या है, सभी में है. तो सेकंड का क्या आंसर हो जाएगा? सेकंड का आंसर बी हो जाएगा. नेक्स्ट पर आ जाओ. सल्फर शावर इज अ फिनोमेना. ये सल्फर शावर क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय सल्फर शावर? बताइए सल्फर शावर क्या होता है? हाँ, तो ये पॉलिनेशन से भी रिलेटेड है. स्प्रिंग्स में होता है, पाइनस में दिखता है, मतलब आंसर होगा ऑल ऑफ दी अबव. एक्चुअल में ये है क्या कि जो सल्फर शावर है ऐसा फिनोमेना होता है जिसमें जो पाइनस रहता है ना, हाँ, उसमें पॉलिनेशन होता है. सल्फर क्या करता है, रिलीज, मतलब सल्फर शावर मतलब येल्लो पॉलन ग्रेन रिलीज हो रहे हैं. तो येल्लो कलर के पॉलन ग्रेन जब रिलीज होते हैं पाइनस से तो उसको ऐसे ही बोलते हैं, क्योंकि सल्फर भी येल्लो है, पाइनस के पॉलन भी येल्लो है. रूट्स इन पाइनस आर, पाइनस की रूट्स कैसी है? रूट्स इन पाइनस कैसी होगी बेटा? क्वेश्चन नंबर 4. तो जो पाइनस है उसकी जो रूट्स होंगी उसमें क्या चीजें देखने को मिलेगी? वेरी गुड. इट इज एसोसिएटेड विद फंगस टू फॉर्म माइकोराइजा. किसके साथ एसोसिएटेड है? फंगस के साथ एसोसिएटेड है
माइकोराइजा फॉर्म करती है। बहुत अच्छे। नेक्स्ट, इसमें ए क्या है बेटा? व्हाट इज दिस इंडिकेटिंग, व्हाट इज दिस इंडिकेटिंग एंड व्हाट इज दिस इंडिकेटिंग। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, एनसीईआरटी का डायग्राम है, ये हो जाएगा आपका आर्चीगोनियोफोर। ऊपर जो स्ट्रक्चर है फ्लावर जैसा जो दिखता है थोड़ा थोड़ा, आर्चीगोनियोफोर। ठीक है, फिर ये हो जाएगा जो कप जैसा दिख रहा है, तो ये हो जाएगा गैमा कप, और जो नीचे दिख रहा है ये दैट इज राइजॉइड्स। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी। इन ए टाइप ऑफ इनफ्लोरेसेंस मेन एक्सिस टर्मिनेट्स इन अ फ्लावर। जैसे ये मेन एक्सिस है, इसी पे क्या हो जाएगा? फ्लावर आ जाएगा। ठीक है, इसीलिए ग्रोथ क्या है? लिमिटेड है। और फ्लावर कौन से सक्सेशन में ग्रो होते हैं ये बताइए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सिक्स्थ का डी, क्योंकि अगर साइमोस टाइप ऑफ इनफ्लोरेसेंस होगा तो मेन एक्सिस पे एक फ्लावर आ जाएगा, एक्सिस ग्रो करना बंद कर देगी, और फ्लावर्स कहाँ पे आ जाएंगे? बेसिपिटल सक्सेशन में आ जाएंगे। प्लांट्स फाउंड इन सुंदरबंस वेस्ट बंगाल के पास स्पेशल टाइप ऑफ रूट होती है। ठीक है, ये स्पेशल टाइप ऑफ रूट कौन सी है ये आपको बताना है। तो इनके पास क्या होता है? न्यूमैटोफोर्स होते हैं, है ना, ये ऐसे ऊपर आ जाती है ब्रीद करने के लिए, रेस्पिरेशन करने के लिए। तो सेवेंथ का आंसर हो जाएगा हमारा डी। बढ़िया रिप्लाई कर रहे हो बेटा, वेरी गुड। देखना आज कितने मार्क्स आ रहे हैं 360 में से, बताना फिर मुझे, है ना। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? क्या जाइलम पैरेन्काइमा डेड होती है क्या? नहीं मैम, जाइलम पैरेन्काइमा में प्रोटोप्लाज्म है, वो प्रोटोप्लाज्म है तो क्या होगी? वो लिविंग होगी, तो ये आंसर नहीं है। दूसरा, द मेरिस्टम एट द टिप ऑफ द रूट एंड शूट प्रोड्यूस सेकेंडरी टिश्यू। गलत। एपिकल रूट एपिकल मेरिस्टम, शूट एपिकल मेरिस्टम, ये क्या प्रोड्यूस करते हैं? प्राइमरी टिश्यूज प्रोड्यूस करते हैं। क्या प्रोड्यूस करेंगे? प्राइमरी। तो इसका मतलब करेक्ट कौन सा है? सी वाला है कि इंट्रा फेसिकुलर केम्बियम इज प्राइमरी मेरिस्टम। नेक्स्ट पे आ जाए, क्रिस्टे आर फॉर्म्ड फ्रॉम। क्रिस्टे कैसे फॉर्म होते हैं? वेरी गुड, बहुत अच्छा रिप्लाई कर रहे हो। तो क्रिस्टे क्या होते हैं कि ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया इज ऑल्सो नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल, बिकॉज एटीपी रिलीज करती है, एनर्जी रिलीज करती है। ठीक है, इसकी जो इनर मेम्ब्रेन होती है ना, ये ऐसे इनफोल्डिंग्स बना लेती है। इन इनर फोल्डिंग्स को, इन इनफोल्डिंग्स को हम बोलते हैं क्रिस्टे। सरफेस एरिया इंक्रीज करती है फॉर द एंजाइमेटिक एक्टिविटी, तो इट दिस इज नोन एज क्रिस्टे। तो आंसर हो जाएगा इसका बी। व्हाट इज एसेंशियली प्रेजेंट इन ऑल प्रोकैरियोट्स, कौन सी चीज है जो सभी प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट होगी? ऑल प्रोकैरियोट्स। तो देखो, सेल वॉल देखोगे आप तो माइकोप्लाज्मा एक प्रोकैरियोट है जिसमें सेल वॉल नहीं है। माइटोकॉन्ड्रिया तो प्रोकैरियोट्स में होती ही नहीं है, माइटोकॉन्ड्रिया तो सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोट्स में होती है। तो बचा क्या? राइबोसोम। प्रोकैरियोट्स में 70S टाइप ऑफ राइबोसोम्स आर प्रेजेंट। तो टेंथ का क्या आंसर हो जाएगा? टेंथ का आंसर हो जाएगा बी। करेक्ट सीक्वेंस ऑफ लेयर्ड स्ट्रक्चर दैट इज फॉर्मिंग सेल एनवेलप इन बैक्टीरिया। सेल एनवेलप कौन बनाता है? तो सेल एनवेलप जो होता है प्रोकैरियोट में या बैक्टीरिया में, उसकी तीन लेयर होती है। जैसे फॉर एग्जांपल, इफ दिस इज अ सेल, सो सबसे अंदर वाली क्या होगी? करेक्ट सीक्वेंस बताना है आपको 11th का। अंदर वाली होगी, फिर इसके एक बाहर लेयर होगी, फिर इसके बाहर एक और लेयर होगी। तो जो सबसे बाहर वाली लेयर होती है दैट इज ग्लाइको कैलेक्स। और अगर ये ग्लाइको कैलेक्स है ना थिक है, टफ है, तो इसको कैप्सूल बोलेंगे। अगर ये ग्लाइको कैलेक्स स्लाइमी है तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम स्लाइम लेयर बोलेंगे। तो पहली हो गई ग्लाइको कैलेक्स, फिर उसके नीचे सेकेंड वाली जो आती है दैट इज सेल वॉल, और जो सबसे अंदर आती है दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा इसका? आंसर हो जाएगा इसका थर्ड। नेक्स्ट पे आ जाओ,
Which of the following structure helps in a cell wall formation? DNA replication and helps in the respiration in bacteria. इन सारी चीजों में कौन मदद करता है? इन सारी चीजों में कौन मदद करता है? बहुत बढ़िया रिप्लाई बेटा आप लोगों के. अगर कोई ग्रुप्स है टेलीग्राम पे तो वहां पर लिंक शेयर कर दो, है ना, कि बढ़िया एक इम्पोर्टेंट मॉक हो रही है नीट पैटर्न की और नीट लेवल की, और अपने मार्क्स आज ये प्रिडिक्ट करेगी कितने आएंगे. इस स्ट्रक्चर को मीजोसोम बोलते हैं. ये सेल है, सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है ना ये एक इनफोल्डिंग बनाती है, है ना, इसको बोलते हैं मीजोसोम. यही सब में मदद करता है, बैक्टीरिया में मिलता है ये, है ना, सेल वॉल बना लेगा, रेप्लिकेशन, रेस्पिरेशन, सब कुछ. द एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉइटी ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड. जब पेप्टाइड बॉन्ड बनता है तो वाटर क्या होता है, रिमूव होता है, रिलीज हो जाता है. इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? इस प्रोसेस को डिहाइड्रेशन बोलेंगे. क्या वाटर लॉस को तो हम हमेशा डिहाइड्रेशन ही बोलते हैं, भले ही वो ह्यूमन में क्या क्यों ना हो. जिसको क्लियर नहीं दिख रहा है, ये देखो यहाँ पे तीन ऑप्शन है, क्वालिटी ऐसा लिखा आएगा, उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करो, अच्छा दिखने लगेगा. विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग एम फेस? एम फेस के रिगार्डिंग ट्रू नहीं है. इज नॉट ट्रू. मोस्ट ड्रामेटिक फेस है क्या? बिल्कुल, बहुत इतराता है, ये भी हो रहा है, वो भी हो रहा है. एम फेस मतलब इक्वेशनल डिवीजन, सही बात है, ये भी सही है. फिर गलत क्या है? दिस इज रॉन्ग. क्लियर कट लाइन कभी भी नहीं ड्रॉ कर सकते, नो क्लियर कट लाइन, है ना. इंटरकाइनेसिस इज अ 15. इंटरकाइनेसिस क्या है? What do you mean by interkinesis? तो ऐसी स्टेज होती है मियोसिस वन और मियोसिस टू के बीच की, उसको क्या बोलते हैं हम? उसे interkinesis बोलते हैं. वेरी नाइस बेटा, बहुत बढ़िया रिप्लाई कर रहे हो. नेक्स्ट, वॉटर मूव्स फ्रॉम. वॉटर कहाँ से कहाँ मूव करता है? वॉटर मूव करता है लेस नेगेटिव वॉटर पोटेंशियल से टू मोर नेगेटिव वॉटर पोटेंशियल. मतलब देखो ना, हाई से लो मूव करेगा तो लेस नेगेटिव होगा तभी तो हाई होगा, और मोर नेगेटिव हो जाएगा मतलब कम हो जाएगा. कैसे मैम, समझाओ जरा इसको. तो -200 और -400, ये लेस नेगेटिव है मतलब ये हाई है, ये मोर नेगेटिव है मतलब ये लो है. तो 16 का आंसर हो जाएगा सी. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंपोनेंट ऑफ एनर्जी मेटाबॉलिज्म? एनर्जी मेटाबॉलिज्म का कंपोनेंट कौन है? एनर्जी मेटाबॉलिज्म का बताओ. इट इज फॉस्फोरस. एनर्जी मतलब एटीपी, एनएडीपी, तो ये जो पी आ रहा है दैट इज एनर्जी मेटाबॉलिज्म में रोल है इसका. आइडेंटिफाई द करेक्ट मैच फ्रॉम कॉलम वन, कॉलम टू एंड कॉलम थ्री. करेक्ट मैच बता दो कॉलम वन, कॉलम टू और कॉलम थ्री में. 18th. चलो, जो मेज है इसके पास बंडल शीथ सेल होंगे और फोटो रेस्पिरेशन एब्सेंट होगा क्योंकि C4 है. फिर हम आ जाएंगे सेकंड पे. वीट में जो पहला बनेगा 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनेगा, फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड. और ये कहाँ, इसमें फोटो रेस्पिरेशन क्या रहेगी? प्रेजेंट रहेगी, C3 में प्रेजेंट रहती है. अब इधर आ जाओ नेक्स्ट पे. C3 साइकिल जो है ये कॉमन पाथवे है और ये कहाँ होता है? स्ट्रोमा में होता है. C4 साइकिल ऑक्सैलो एसिटिक एसिड एंड व्हाट इज रिक्वायर्ड? पेप्टेज इज रिक्वायर्ड. तो 18th का क्या आंसर हो जाएगा? 18th का आंसर हो जाएगा आपका डी. बहुत बढ़िया. रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस. रेस्पिरेशन कहाँ होता है? तो रेस्पिरेशन इन ऑल लिविंग सेल्स ऑफ द प्लांट, है ना. अगर देखो, हमें क्या लगता है प्लांट फोटोसिंथेसिस करता है. बहुत बच्चों को लगता है कि प्लांट में रेस्पिरेशन ही नहीं हो रहा है, पर प्लांट में भी रेस्पिरेशन होता है. यीस्ट सेल पॉइजन्स देमसेल्फ टू डेथ. देखो यीस्ट क्या है अपना? सैक्रोमाइसिस सेरीवैसी है. क्या कर रहा है? फर्मेंटेशन करके अल्कोहल बना रहा है, इथेनॉल बना रहा है. बनाता जाएगा एक लेवल पे आके इतना ज्यादा बना लेगा कि उस अल्कोहल कंसेंट्रेशन से खुद की ही डेथ हो जाएगी, है ना.
तो इसको क्या बोलते हैं हम, 20, इट इज अ 13% है ना, 13% पे जाके खुद की डेथ हो जाएगी. नेचुरल एंड सिंथेटिक ऑक्सीजन हैज बीन यूज इन द फील्ड ऑफ, किसकी फील्ड में यूज करते हैं हम ऑक्सीजन को, तो इट इज यूज इन बोथ एग्रीकल्चर एज वेल एज हॉर्टिकल्चर. एग्रीकल्चर में भी यूज होता है, हॉर्टिकल्चर में भी क्या होता है, यूज होता है. वेरी नाइस, नेक्स्ट पर आ जाइए. वॉट इज द करेक्ट सीक्वेंस, करेक्ट सीक्वेंस क्या है, 22 सबसे करेक्ट क्या है. तो देखो सबसे पहले तो क्या होता है, गैमीट फॉर्मेशन होगा, तो इसको क्या बोलेंगे, गैमिटोजेनेसिस. अब ये गैमीट्स क्या होंगे, फ्यूज होंगे, इसको बोलते हैं सिनगैमी. और क्या फॉर्म होगा, एक यूनिसेलुलर डिप्लॉइड जायगोट फॉर्म होगी. ये जायगोट डिवाइड करेगी है ना, डिवाइड कर करके एम्ब्रियो बनाएगी. तो 22 का आंसर हो जाएगा हमारा सी. इन द कॉर्न कॉब द टैसल विच स्ट्रक्चर वेव इन द विंड ऑफ ट्रैप द पॉलन ग्रेन. ऐसा होगा, इसमें ऐसे ऐसे टैसल्स होते हैं, ऐसा ऐसा लटकते रहते हैं टैसल्स. इनका क्या काम होता है, आपने कॉर्न कॉब भुट्टे खाए होंगे तो उसमें देखा होगा ना, बहुत सारा वो निकलता है, तो दैट इज स्टिग्मा एंड स्टाइन. तो 23 का क्या आंसर हो जाएगा, ए. इन मैच्योर एम्ब्रियो सैक द सेंट्रल सेल इज, सेंट्रल सेल कौन सा होता है, तो सेंट्रल सेल जो होता है इसमें क्या होती है, दो न्यूक्लियस होती है, दैट्स व्हाई इट इज बाय न्यूक्लिएट. ये क्या होगी, बाय न्यूक्लिएट होगा. बेटा एक एक क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना, बहुत बढ़िया. नेक्स्ट पे आ जाओ. व्हेन अ हाइब्रिड पी प्लांट ऑफ येलो राउंड सीड्स इज अ सेल्फ पॉलिनेटेड द फिनोटिपिक रेशियो इन द नेक्स्ट जनरेशन वुड बी. इसको सेल्फ पॉलिनेट करा है और फिनोटिपिक बताना है, तो डोंट यू थिंक इट इज अ नॉर्मल डाई हाइब्रिड क्रॉस शोन ओवर हियर. डाई हाइब्रिड क्रॉस का फिनोटिपिक रेशियो क्या रहता है, इट इज 9:3:1. और ये क्या रहता है, डाई हाइब्रिड रहता है, इट इज अ डाई हाइब्रिड एंड इट इज डाई हाइब्रिड का जीनोटाइप, और ये है डाई हाइब्रिड का फिनोटाइप. ठीक है, यहाँ पे फिनोटाइप पूछा है. हाउ मेनी टाइप ऑफ गैमीट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय, कितने गैमीट्स प्रोड्यूस होते हैं, 26. कितने गैमीट्स प्रोड्यूस होंगे बेटा, तो गैमीट्स का फॉर्मूला होता है 2 to the power n. n मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ हेटरोजाइगस. ठीक है, तो यहाँ पे कितने हेटरोजाइगस है, ये भी होमो है, ये भी होमो है, एक हेटरो, दो हेटरो, तीन हेटरो, चार हेटरो, और ये भी, तो 2 to the power 4. तो 2 × 2 × 2 × 2, तो कितना हो गया, 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 8 × 2 = 16 गैमीट्स हो गए. तो आंसर इज सी. विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क एज अ कैटलिटिक मॉलिक्यूल, कैटलिटिक मॉलिक्यूल की तरह कौन काम करता है, कैटलिसिस में कौन हेल्प करता है, तो एक्चुअल में देखो प्रोटीन्स जो होते हैं वो एंजाइम बनाते हैं और एंजाइम कैटलिसिस करता है, बायो कैटलिस्ट है ये, है ना. लेकिन आपको पता है कि जो सारे एंजाइम्स हैं जरूरी नहीं है कि वो प्रोटीन हो, कुछ कुछ एंजाइम्स क्या हैं, जैसे कुछ क्या, एक ही मेनली राइबोजाइम, ये जो एंजाइम है ये आरएनए इज नेचर का है. ठीक है, तो इसीलिए हम बोल सकते हैं कि दोनों बी एंड सी दोनों ही कैटलिटिक मॉलिक्यूल है. विच ऑफ द फॉलोइंग पिरिमिडीन इज कॉमन फॉर बोथ डीएनए एंड आरएनए. अच्छा, तो आपको मैं नाइट्रोजिनस बेस बताती हूँ. ठीक है, दो नाइट्रोजिनस बेस होते हैं, एक होता है आपका प्यूरीन और दूसरा होता है आपका पिरिमिडीन. इसको याद रखने का तरीका आपको पता है क्या, इंडियन वाइफ अपने हस्बैंड को कैसे बुलाती है, ए जी सुनते हो, है ना, ऐसे बुलाती है, तो ए और जी ये हो गए आपके प्यूरीन और कट हो गया आपका पिरिमिडीन. तो यहाँ पे क्या पूछा है, कौन सा पिरिमिडीन दोनों में कॉमन है, तो सिर्फ साइटोसिन होता है डीएनए आरएनए दोनों में, यूरैसिल सिर्फ आरएनए में मिलेगा और ये सिर्फ डीएनए में मिलेगा. तो आंसर हो जाएगा ओनली साइटोसिन. 29th पे आ जाओ. 29th पे, वेरी गुड, बहुत बढ़िया.
nitrogenous base is linked to the pentose sugar through 29. कैसे लिंक होती है पेंटोज शुगर और नाइट्रोजिनस बेस? तो कैसे लिंक होगा? इट विल बी लिंक्ड बाय द एन लिंक्ड ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, एन लिंक्ड ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड. नेक्स्ट आ जाओ, प्री फॉस्फेट ग्रुप इज प्रेजेंट एट विच कार्बन एंड ऑफ पेंटोज शुगर? प्री फॉस्फेट कहाँ प्रेजेंट होता है? 30. प्री फॉस्फेट कहाँ प्रेजेंट होगा? इट विल बी प्रेजेंट एट दी 5 डैश एंड पे होगा. अजोला इज यूज एज बायो फर्टिलाइजर एज इट हैज. अजोला किसकी तरह यूज होता है? बायो फर्टिलाइजर की तरह यूज होता है. क्यों? क्योंकि इसमें क्या प्रेजेंट है, ऐसा क्या प्रेजेंट है? 31 का क्या आंसर हो जाएगा? 31 का आंसर हो जाएगा बी, साइनोबैक्टीरिया. कुकू जो होती है कोयल है ना, उसके एग कहाँ लेकर देती है? कुकू लेज इट्स एग्स इन द क्रोज नेस्ट, द लेटर टेकन केयर ऑफ द फॉर्मर्स एग. मतलब क्रो क्या करता है, फिर कुकू के अंडों का ख्याल रखता है, उनको बड़ा करता है. ये किसका एग्जाम्पल है? तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ ब्रूड पैरासिटिज्म, मतलब अपने अंडे प्रोड्यूस करके दूसरों से उसकी देखभाल करवा लेना, दैट इज ब्रूड पैरासिटिज्म. ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाओ. स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम, सभी इकोसिस्टम के स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है. एक इकोसिस्टम का स्ट्रक्चरल कंपोनेंट नहीं है बेटा. कौन सा नहीं है? न्यूट्रिएंट साइक्लिंग नहीं है. वो जो चार चीजें हम पढ़ते हैं ना, एनर्जी ट्रांसफर, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, प्रोडक्टिविटी, मिनरल साइक्लिंग, ये सब क्या है? फंक्शनल है. और ये तीनों क्या है? स्ट्रक्चरल है. ये स्ट्रक्चर बनाते हैं और ये क्या करता है? फंक्शन में रोल प्ले करता है. इनहिबिशन ऑफ ग्रोथ ऑफ वन स्पीशीज बाय अदर विद द हेल्प ऑफ सिक्रीशन ऑफ सर्टन केमिकल्स इज कॉल्ड 34. ठीक है, इसको बताइए क्या बोलेंगे. देखो एक चीज आप लोगों को बताती हूँ, आपने एलोपैथिक मेडिसिन सुनी है, मतलब जो भी ड्रग्स वगैरह हम सब यूज करते हैं ये एलोपैथिक मेडिसिन है. इसमें क्या होता है, एक ऑर्गेनिज्म जैसे एंटीबायोटिक है, ये केमिकल प्रोड्यूस करेगा जो दूसरे की ग्रोथ को रोक देगा. तो इसीलिए 34 का बी हो जाएगा. नेक्स्ट, इन साइंटिफिक नॉमनक्लेचर विच वन इज ऑप्शनल 35. साइंटिफिक नॉमनक्लेचर में विच वन इज ऑप्शनल, कौन सा ऑप्शनल होता है कि ये नहीं लिखोगे तो भी चलेगा? तो ऑथर का जो नाम होता है ना बेटा, वो ऑप्शनल है. हमें हमेशा जरूरी थोड़ी पता हो कि इसी ने ये डिस्कवर करा हो. नाम लूंगी मैं आखिरी में, सबके नाम लूंगी जो बढ़िया आंसर दे रहे हैं. ठीक है, तो हमने बेटा बॉटनी का सेक्शन 1 कंप्लीट कर लिया. बॉटनी का सेक्शन 1 कंप्लीट कर लिया, इसमें आप 35 से 35 कर सकते थे. अब हम बॉटनी का सेक्शन बी करेंगे, इसमें से 15 में से आपको कोई से 10 अटेम्प्ट करने हैं. ठीक है, नेक्स्ट, क्लैमाइडोमोनास, क्लोरेला, पैरामेशियम एंड अमीबा आर प्लेस्ड इन विच किंगडम ऑफ विटेकर्स क्लासिफिकेशन? किस किंगडम में रख देते हैं इन्हें विटेकर्स क्लासिफिकेशन के? बेटा ऐसे ही मन लगा के बस 10 दिन और मेहनत कर लो, है ना. वेरी गुड, बहुत अच्छा कर रहे हो. 36, इट इज प्रोटिस्टा, इट इज प्रोटिस्टा. नेक्स्ट, जो सीड हैबिट है टेरिडोफाइट में इज कंसिडर्ड एज इम्पॉर्टेंट स्टेप इन इवोल्यूशन. सीड हैबिट को एक बहुत अच्छी स्टेप मानते हैं टेरिडोफाइट में. वो किसके वजह से आई है सीड हैबिट? तो सीड हैबिट जो आई है दैट इज बिकॉज ऑफ हेट्रोस्पोरी, सिलैजिनेला, सेल्विनिया, इनमें क्या है? हेट्रोस्पोरी है, इट इज हेट्रोस्पोरी. ठीक है, इन ग्वावा लीव्स आर प्लेस्ड इन, ग्वावा में लीव्स कहाँ प्लेस्ड है? तो कैसी जो लीव्स की पोजीशन होती है ना, उसको क्या बोलते हैं? फाइलोटैक्सी बोलते हैं. तो आपको बताना है कि ग्वावा की फाइलोटैक्सी क्या है. ठीक है, इट इज अपोजिट फाइलोटैक्सी. रेडियल कंडक्शन ऑफ वाटर टेक्स प्लेस बाय, रेडियल कंडक्शन कैसे होता है वाटर का? हाउ डज रेडियल कंडक्शन टेक्स प्लेस? तो रेडियल कंडक्शन कैसे होगा? तो रे पैरेन्काइमेटस सेल्स होते हैं बेटा,
है ना, वो रेडियल कंडक्शन में मदद करते हैं. एनेस्ट्रल माइटोसिस इज फाउंड इन. एनेस्ट्रल माइटोसिस किस में मिलेगा? एनेस्ट्रल क्या होता है बेटा? मतलब जब क्या होता है कि एस्टर्स बनते हैं. देखो, हर सेंट्रोसोम रेडिएट करता है माइक्रोट्यूब्यूल्स को, इसको एस्टर बोलते हैं. ठीक है, तो जब ये हो रहा हो तो दैट इज एनेस्ट्रल. ठीक है, ऐसा माइटोसिस जिसमें स्पिंडल फॉर्म होता है लेकिन सेंट्रियोल है ना अब्सॉर्ब नहीं हो रहा, बस इसको एनेस्ट्रल बोलेंगे. मतलब स्पिंडल बन रहा है पर सेंट्रियोल या फिर ये माइक्रोट्यूब्यूल का जो अरेंजमेंट है ना, हाँ, ये नहीं हो रहा है. तो ये किस में दिखेगा बेटा? 40 वाला. तो आपको ऑलरेडी पता है कि प्लांट में नहीं होता है सेंट्रियोल, तो आंसर क्या हो जाएगा? प्लांट हो जाएगा. मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन इन दी होल बायोस्फीयर, पूरे बायोस्फीयर में सबसे एबंडेंट प्रोटीन कौन सी है, सबसे ज्यादा प्रोटीन कौन सी है? तो दैट इज रूबिस्को. पर अगर मैं पूछूं कि एनिमल वर्ल्ड में सबसे ज्यादा प्रोटीन कौन सी है, तो दैट इज कोलेजन. ठीक है, ये दोनों चीजें याद रखना, एग्जाम में रिपीटेडली पूछी जाती है. नेक्स्ट, ड्यूरिंग जीवन फेज क्या होता है? व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग जीवन फेज? 42, जीवन फेज में क्या होता है? तो सेल क्या होता है? मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है, ग्रो करता है कंटिन्यूसली, बट अपने डीएनए को रेप्लिकेट नहीं करता. 42, मास फ्लो इज द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस. मास फ्लो मतलब सब्सटेंस का मूवमेंट बल्क में ना, बहुत ज्यादा मास फ्लो हो रहा है. ठीक है, ये किसमें रिजल्ट करता है? 43. तो इससे क्या होता है? प्रेशर डिफरेंसेस आ जाते हैं दो पॉइंट के बीच में. 43 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा. एनसीईआरटी की लाइन है बेटा, बहुत अच्छा आंसर कर रहे हो, वेरी गुड. आखिरी में शाउट आउट दूंगी सभी बच्चों को, है ना. लैग हीमोग्लोबिन इज अ, व्हाट इज लैग हीमोग्लोबिन? तो लैग हीमोग्लोबिन ऐसी पिगमेंट होती है जो पिंकिश कलर की होती है, और ये लेग्यूम्स जो होते हैं, लेग्यूम प्लांट में जब नाइट्रोजन फिक्सेशन चलता है तो एक एंजाइम काम करती है, दैट इज नाइट्रोजिनेज. जब ये एंजाइम काम करती है तो इसको एन एरोबिक कंडीशन चाहिए रहती है, मतलब इसको ऑक्सीजन नहीं चाहिए रहता है. तो इस एन एरोबिक कंडीशन को बनाने के लिए ऑक्सीजन को रिमूव करना है, स्केवेंजिंग करनी है ऑक्सीजन की. तो इसमें कौन है? ये मदद करेगा. एसेंशियल फॉर प्लांट ग्रोथ, प्लांट ग्रोथ के लिए क्या एसेंशियल है? क्या एसेंशियल है? वाटर, ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स, सभी इसके लिए क्या है? एसेंशियल है. नेक्स्ट पर आ जाओ. जीन्स ए एंड बी बोथ बी नेसेसरी फॉर नॉर्मल हियरिंग. ए और बी क्या है? दोनों क्या है? नॉर्मल सुनने के लिए जरूरी है. क्या पॉसिबल जीनोटाइप होगा नॉर्मल चाइल्ड का अगर मदर क्या है? डेफ है, और फादर भी क्या है? डेफ है. अब बताओ. 46 पे आ जाओ और बताओ क्या पॉसिबल होगा. तो देखो, ये पॉसिबल होगा, नॉर्मल चाइल्ड है. देखो, ए से नॉर्मल सुन पा रहे हो, ए से नहीं सुनोगे. बी से नॉर्मल सुन पा रहे हो, इससे नहीं सुन पाओगे. लेकिन बच्चा नॉर्मल है, मतलब क्या है? हेटरोजाइगस कंडीशन है, तो डोमिनेंट तो नॉर्मल हियरिंग ही है. तो आंसर हो जाएगा डी. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लियोसाइड? न्यूक्लियोसाइड का कंपोनेंट है ये. साइड पता है आपको, हाँ, तो शुगर है और नाइट्रोजनस बेस है. ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं? ये दोनों मिलके आपको पता है न्यूक्लियोसाइड बनाते हैं. पर अगर यही अगर हम पूछे कि टाइड क्या बनेगा, तो बस शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस प्लस फॉस्फेट हो जाएगा हमारा टाइड. तो 47 का क्या आंसर है? बी. बायोडाइवर्सिटी डिस्क्राइब्स द स्टडी ऑफ डाइवर्सिटी. बायोडाइवर्सिटी कैसे डिस्क्राइब करती है? एनसीईआरटी का पॉइंट है, बताइए बायोडाइवर्सिटी कैसे डिस्क्राइब करती है? तो बायोडाइवर्सिटी एट ऑल लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन बताती है, एट ऑल लेवल. ठीक है, एसिड रेन इज ड्यू टू इंक्रीज इन एटमोस्फेरिक कंसेंट्रेशन ऑफ.
ठीक है, एसिड रेन किस वजह से होती है? एटमॉस्फेरिक कंसंट्रेशन ऑफ एसओ टू एंड एनओ टू, ये क्या होते हैं? ये आसमान में जाता है, सल्फ्यूरिक एसिड बना लेता है, और ये जाता है और नाइट्रिक एसिड बना लेता है। तो ये रेन में मिक्स हो जाते हैं, तो रेन का पीएच कम हो जाता है और एसिडिक रेन हो जाती है। तो 49 का क्या आंसर हो गया? 49 का आंसर हो गया हमारा डी। द इम्परफेक्ट फंगाई विच आर डीकम्पोजर्स ऑफ लिटर एंड हेल्प इन मिनरल साइक्लिंग, और मिनरल साइक्लिंग में हेल्प कर रही है, बताइए कौन सी है। तो बेटा इस तरह हमने बॉटनी के 50 क्वेश्चंस कर लिए हैं, सेक्शन बी भी कंप्लीट है। अब हम जूलॉजी स्टार्ट करेंगे। जूलॉजी में 1 से 35 आप सारे अटेम्प्ट करोगे, 36 से 50 एनी 10 अटेम्प्ट करोगे, ठीक है। 50 का आंसर है डी। चलिए अब हम जूलॉजी शुरू करते हैं। वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ जूलॉजी, है ना। अब जूलॉजी से शुरू करते हैं और हम देखते हैं कि आपका कैसा क्या परफॉर्मेंस है, फिर हम दोनों के मार्क्स कैलकुलेट करेंगे टोटल और देख रहे हैं कि 360 में से कितने आएंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं जूलॉजी। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन जीनस नेम इट्स कैरेक्टर्स एंड इट्स फाइलम आर नॉट करेक्टली मैच्ड। लेट्स बिगिन जूलॉजी। बहुत अच्छे, चलिए करेक्टली मैच्ड नहीं है वो कौन सा है? Which one is not correctly matched? Nereis, है ना। Nereis क्या होगा? Monoecious नहीं होगा, Dioecious होगा क्या? वन का आंसर बताओ, वन का हो जाएगा डी। नेक्स्ट, वेरी गुड। Which of the following animal have persistent notochord and cartilaginous vertebral column इन एडल्ट स्टेजेस? विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल हैव परसिस्टेंट नोटोकॉर्ड एंड कार्टिलेजिनस वर्टिब्रल कॉलम इन एडल्ट स्टेजेस? तो इट इज अ स्कॉलिडॉन। विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू कवर्स मॉइस्ट सरफेस ऑफ बकल कैविटी एंड फेरिंग्स? बकल कैविटी का मॉइस्ट सरफेस कर रहा है, फेरिंग्स का मॉइस्ट सरफेस कर रहा है, इसे क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे कंपाउंड एपिथीलिया। कंपाउंड एपिथीलिया क्या करता है? कवर करता है। द निम्फल स्टेज ड्यूरिंग डेवलपमेंट ऑफ पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना। पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना कौन है? हमारा प्यारा कॉकरोच। हाँ, तो कॉकरोच में जब निम्फ है, ये किस में कन्वर्ट हो रहा है? एडल्ट में कन्वर्ट हो रहा है। तो यहाँ पे 13 मोल्टिंग्स होंगी। कितनी मोल्टिंग्स होती हैं? 13 मोल्टिंग्स। तो फोर्थ का आंसर हो जाता है बी। ट्रिप्सिन डिफर्स फ्रॉम पेप्सिन बिकॉज इट डाइजेस्ट। क्या डाइजेस्ट करता है? ट्रिप्सिन डिफर्स फ्रॉम तो प्रोटीन। देखो ट्रिप्सिन और पेप्सिन दोनों ही प्रोटीन डाइजेस्ट करते हैं, पर ट्रिप्सिन क्या करता है? तुम्हारा अल्कलाइन मीडियम में करेगा, और पेप्सिन किस में करेगा? एसिडिक में करेगा। तो प्रोटीन अल्कलाइन में, डियोडेनम में, ट्रिप्सिन करेगा, और वहां पे स्टमक में, आपको पता ही है, ठीक है। नेक्स्ट, मैच द कॉलम्स एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। कॉलम को मैच करो और करेक्ट ऑप्शन बताओ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑप्शन? करेक्ट कौन सा है? सिक्स्थ। एपिग्लॉटिस ये क्या करता है? स्टॉप्स करता है फूड को, रोकता है फूड को ताकि ट्रैकिया से लंग में ना चले जाए। लैरिंग्स क्या करता है? लैरिंग्स नहीं बेटा, फेरिंग्स होगा ये, है ना। ये लैरिंग्स क्या करेगा? साउंड बॉक्स है, साउंड प्रोड्यूस करेगा। फेरिंग्स कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। और नोज में क्या होते हैं? हेयर होते हैं जो ट्रैप करते हैं बैक्टीरिया को और डस्ट को, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेंसिटिव टू CO2 एंड हाइड्रोजन आयन? सेंसिटिव है CO2 के लिए और हाइड्रोजन आयन्स के लिए, कौन है वो? तो इट इज, बताइए आंसर। क्वेश्चन नंबर, वेरी गुड, बहुत अच्छा रिप्लाई कर रहे हो।
बेटा क्लास डेली रात को 8 बजे होती है, जब तक नीट हो रहा है आपको 8 बजे आना है और इस फुल सिलेबस को मॉक करना है। आपके डेफिनेटली नीट में 20 to 30 marks बूस्ट होंगे और इसी में से क्वेश्चंस मोर और लेस रिपीट होंगे। इट इज बोथ बी एंड सी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? ठीक है, तो एक्चुअल में अगर हम देखें तो हेल्दी इंडिविजुअल में 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन है 100 ml ऑफ ब्लड में कि 200 ml ऑफ ब्लड में, बताइए। तो ये हो गया आपका गलत। न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट्स आर फेगोसाइटिक सेल विच किल द पैथोजन बाय रिलीजिंग एंजाइम। नहीं, ये पैथोजन को एनगल्फ कर लेते हैं। सब्सटेंस रिलीज्ड बाय मेगा कैरियोसाइट? नहीं, प्लेटलेट्स होती हैं वो मेगा कैरियोसाइट्स से बनती हैं। ठीक है, ये वाला सही है कि इरिथ्रोसाइट 120 days रहता है, ल्यूकोसाइट्स का तो लाइफ बहुत कम है। तो 8th का आंसर हो जाएगा आपका सी। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन सिचुएटेड इन बिटवीन द लेवल ऑफ द लास्ट थोरासिक एंड थर्ड लंबर? लास्ट थोरासिक और थर्ड लंबार के बीच में कौन सा ऑर्गन है? इट इज किडनी। द जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर अपैरेटस इज अ स्पेशल रीजन फॉर्म्ड बाय क्लोज प्लेसमेंट एंड सेलुलर मॉडिफिकेशन इन। ये जे जी अपैरेटस है ना, किस किसके बीच में या कहाँ पर सिचुएटेड है? तो ये सिचुएटेड है एफरेंट आर्टेरियोल एंड डीसीटी के बीच में। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है कि ये जे जी अपैरेटस है कहाँ सिचुएटेड है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपने नहीं आता हो तो लर्न कर लो। कॉलम 1 विथ कॉलम 2 एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करो। 11th, ठीक है। तो जो फेलेंजेस रहती हैं, बोन्स ऑफ फिंगर एंड टोज है क्या? कार्पल्स बोन ऑफ द एंकल है क्या? टार्सल बताओ। नहीं रुको, 1 मिनट इसको इरेज करके मैं फिर से बनाती हूँ। 11th वाला फैलेंजेस जो है, जस्ट अ सेकेंड, फैलेंजेस जो है बेटा दे आर दी बोन्स ऑफ दी फिंगर एंड टोज। ठीक है, जो कार्पल्स हैं ये रिस्ट यहाँ पे प्रेजेंट होंगी, टार्सल्स किस में है? एंकल्स में, और मेटा कार्पल्स कहाँ है? पाम में है ना। तो ये अपना फर्स्ट आंसर है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलो बिलो सेट ऑफ फीचर इज करेक्ट फॉर स्ट्राइटेड मसल? स्ट्राइटेड मसल के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो जो स्ट्राइटेड मसल होगा, मैच दो कॉलम में टाइम दूंगी बेटा। हाँ, क्लास के आखिरी में सब बच्चों का नाम लूंगी जो बढ़िया आंसर कर रहे हैं ना, पक्का सबको शाउट आउट मिलेगा। इट इज सिलेंड्रिकल शेप, सिंसिशियल एंड अनब्रांच्ड। नेक्स्ट पे आ जाओ। ह्यूमन में कलर परसेप्शन इज फाउंड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ? हम इतने सारे कलर्स को देख पाते हैं, किस वजह से हम इतने सारे कलर्स को देख पाते हैं? तो हम देख पाते हैं ड्यू टू आयोडॉप्सिन पिगमेंट दैट इज प्रेजेंट इन दी कोन सेल। यू आर वॉचिंग अ हॉरर मूवी है ना, तुम्हें लगवा तुम्हें एक मूवी दिखा दी है ना, एनाबेल हॉरर मूवी। तुम्हारा हार्ट तेज तेज बीट करने लग गया है, माउथ सूख गया है, माउथ इज ड्राई। वाई दिस इज सीन? क्योंकि फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स जनरेट हो रहा है, सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो रहा है, बॉडी में एड्रीनलीन नॉर एड्रीनलीन रिलीज हो रहा है, इसीलिए ये सारी चीजें क्या हो रही है? हो रही है। नेक्स्ट, डर रहे हो ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन रिलेशन टू द एंडोक्राइन सिस्टम? एंडोक्राइन सिस्टम से रिलेटेड क्या करेक्ट है? 15, व्हाट इज करेक्ट? ये बोल रहे हैं कि जीआई ट्रैक, हार्ट, किडनी, लिवर कोई हार्मोन नहीं प्रोड्यूस करता। गलत बोल रहे हैं, करता है। रिलीजिंग और इनहिबिटरी हार्मोन बोल रहे हैं पिट्यूटरी ग्लैंड से होता है, नहीं हाइपोथैलेमस से होता है, फिर गलत बोल रहे हैं। एडिनोफाइसिस इज डायरेक्ट अंडर न्यूरल रेगुलेशन, गलत। न्यूरोहाइपोफाइसिस डायरेक्ट न्यूरल रेगुलेशन में है। 15th का आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? इनकरेक्ट कौन सा है?
इनकरेक्ट कौन सा है? मेमोरी ग्लैंड एपोक्राइन है, डायबिटीज इंसिपिटस होगी तो प्यास लगेगी क्या? हाँ, हिस्टामिन इन्वॉल्व है एलर्जिक रिएक्शंस में, इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस में, हाँ। फिर क्या गलत है? ये गलत है क्योंकि वैसोप्रेसिन अगर सिक्रीट नहीं होता है तो डायबिटीज इंसिपिटस होती है, ना कि मेलाइटस होती है, ठीक है? तो ये वाला लास्ट वाला गलत है। नेक्स्ट, ऑब्जर्व द बिलो डायग्राम ऑफ फीमेल यूट्रस एंड चूज करेक्ट ऑप्शन शोइंग स्ट्रक्चर्ड लेबल पी क्यू आर एन एस। बताओ। तो ये जो फिंगर एस 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 है, ये फिम्ब्रिय है, ये इनफंडिबुलम है, ठीक है? फिर ये सर्वाइकल कैनाल है और ये क्या है? फंडस है। तो 17 का आंसर हो जाएगा सी। व्हाट इज द कॉज ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ द एंडोमेट्रियम लीडिंग टू द मेंस्ट्रुएशन? क्या है रीजन? व्हाट इज द कॉज ऑफ डिसइंटीग्रेशन? डिसइंटीग्रेशन हो रहा है एंडोमेट्रियम का और मेंस्ट्रुएशन हो रहा है, इसका क्या रीजन है? तो जब फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो कॉर्पस लूटियम डिजेनरेट हो जाता है। अब वो प्रोजेस्ट्रॉन सिक्रीट नहीं करेगा, तो प्रोजेस्ट्रॉन ही तो लेयर को मेंटेन कर रहा था, अब वो लेयर को मेंटेन नहीं करेगा तो शेड ऑफ हो जाएगी और मेंस्ट्रुएशन हो जाएगा। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट, करेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करो। 19, व्हाट इज द करेक्ट स्टेटमेंट? ठीक है, तो जो स्पर्मेटिड्स हैं ये क्या होते हैं? 4 इक्वल हैप्लॉइड स्ट्रक्चर्स होते हैं जो मियोसिस 2 से बनते हैं। तो 19 का आंसर हो जाएगा बी। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी? इनमें से कौन सा आर्ट नहीं है? 20, ये क्वेश्चन बहुत ईजी है बेटा। कौन सा आर्ट नहीं है? तो जो MTP है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ द प्रेगनेंसी, ये तो अबॉर्शन है, ये बेबी बना नहीं रहा है, ये तो फीटस को रिमूव कर रहा है। 21, मैच द कॉलम। 21 पे आ जाओ, मैच द कॉलम। 21, वेरी गुड। चलिए, तो जो बैरियर मेथड है ये कौन सी है? सर्वाइकल कैप। केमिकल मेथड कौन सी है? स्पर्मिसिडल क्रीम केमिकल यूज हो रही है। फिर IUDs क्या है? कॉपर टी। और सब क्यूटेनियस क्या है? इम्प्लांट्स। तो आंसर हो जाएगा 21 का सी। डायफ्राम्स है, सर्वाइकल कैप्ट है, वॉल्स है, ये बैरियर्स है, रबर के बने हुए हैं, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में इंसर्ट हो जाते हैं और किसको कवर करते हैं? किसको कवर करते हैं? सर्विक्स को कवर करते हैं एट द टाइम ऑफ द कोइटस। किसको कवर करेंगे? सर्विक्स को कवर करेंगे। बहुत अच्छे, नेक्स्ट पर आ जाएंगे हम लोग। रीजन क्या है? रिवर्सल प्रपोर्शन इन द पॉपुलेशन ऑफ टू डिफरेंट कलर्ड मॉथ। अच्छा, तो इंडस्ट्रियल मेलानिज्म के बारे में आपको पता है ना, जो इंग्लैंड में हुआ था, इंडस्ट्री की जब आई उसके पहले क्या था, लाइट कलर मॉथ ज्यादा मिलते थे, बाद में डार्क कलर्ड मॉथ क्या हो गए, ज्यादा मिलने लग गए। तो आपको क्या लगता है कि इसका रीजन क्या है? 23 का क्या रीजन है? एडेप्टेशंस एंड नेचुरल सिलेक्शन। एक पॉपुलेशन है हार्डी विम्बर्ग इक्विलिब्रियम, 64% ड्वार्फ प्लांट है जो रेसेसिव ट्रेट है, तो परसेंटेज ऑफ होमोजाइगस स्टॉल आपको बताने हैं, होमोजाइगस स्टॉल बताने हैं आपको कि कितने होंगे। तो इसको क्या करोगे? स्क्वायर रूट करोगे, है ना? तो इसमें 0.8 आ जाएगा, एक जो है आपका क्यू स्क्वायर, तो पी कितना आ जाएगा? पी आपका आ जाएगा रेसेसिव वाला 2। तो फिर इसको क्या करोगे? क्यू स्क्वायर निकालोगे जब आप, तो व्हाट विल बी द आंसर? मतलब देखो ना, 64% दिया है, ये हो जाएगा परसेंट रिमूव करोगे तो 0.64, इससे आ जाएगा 0.8। तो Q अगर 0.8 है तो P आपका 0.2 है, और P ही तो क्या है आपका डोमिनेंट कैरेक्टर है, तो 2 × 4, 4% आ जाएंगे। नेक्स्ट, एक ही फॉर्मूला लगता है बस, है ना, इसमें उसी को उल्टा फुल्टा इधर उधर से यूटिलाइज करना है। 25th, इनकरेक्ट बताओ।
वॉट इज इनकरेक्ट? इनकरेक्ट क्या है? वॉट इज इनकरेक्ट? ये इनकरेक्ट है. स्टेबिलाइजेशन में क्या करते हैं, स्टेबिलाइजेशन जो होता है मीन कैरेक्टर वैल्यू सबसे ज्यादा ऑक्यूपाई होती है, ठीक है, ना कि अदर देन मीन, है ना. अदर देन मीन होती है तो उसको फिर हम डायरेक्शनल बोलने लगते हैं बेटा, ठीक है. तो बी वाला इनकरेक्ट है. फॉसिल डिस्कवर्ड इन डैश इन 1891 रिवील्ड द नेक्स्ट स्टेज दैट इज अबाउट 1.5 मिलियन ईयर अगो. ही हैड अ लार्ज ब्रेन अराउंड कितना सीसी. तो 26 का जो स्टेटमेंट है बिल्कुल नीट का एनसीईआरटी का है. बताइए 26 का क्या आंसर कर लेंगे हम. 26 का आंसर हो जाएगा हमारा बी, जावा होमो इरेक्टस और 900 सीसी. वेरी गुड. विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अ पोटेंट स्टिमुलेटिंग एक्शन ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम. CNS पे स्टिमुलेटिंग एक्शन किसका है? यूफोरिया दिलाता है, एनर्जी को इनक्रीज करवाता है. 27 तो ये क्या होगा, 27th का आंसर बताइए. इज इट कोकेन? वेरी गुड, बहुत बढ़िया. इन हायर वर्टिब्रेट इम्यून सिस्टम सेल्फ और नॉन सेल्फ में डिस्टिंग्विश कर लेता है कि क्या मेरा क्या तेरा. अगर ये प्रॉपर्टी लॉस हो जाती है तो वो खुद के सेल को अटैक करने लगता है. खुद के सेल को क्या अटैक करेगा, ठीक है. तो इसे क्या बोलते हैं, इनमें से एक ऐसा एग्जांपल बताओ जिसमें ऐसा हो रहा है. तो ऐसे डिसऑर्डर को हम ऑटो इम्यून डिसऑर्डर बोलते हैं, है ना. जो बच्चे अभी भी नीट के लिए सीरियस नहीं हुए हैं 10 दिन पहले और रात रात भर नेटफ्लिक्स कर रहे हैं, टेलीग्राम पे बातें कर रहे हैं, वो ऑटो इम्यून एक टाइप से, है ना. फिर एक दिन पहले उनको टेंशन होता है. तो दैट इज मायस्थीमिया ग्रेविस. लिम्फोइड टिश्यू लोकेटेड विद इन द लाइनिंग ऑफ द रेस्पिरेटरी डाइजेस्टिव यूरोजेनाइटल ट्रैक कॉल. 29 इसे क्या बोलते हैं, जो लोकेटेड होता है इसको बोलते हैं माल्ट, म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू. और ये कितना परसेंट लिम्फोइड टिश्यू के बॉडी को कवर कर देता है, तो इट इज 50% से भी ज्यादा को कवर कर देता है. तो आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा. इफ यू डिटेक्ट इंटरफेरॉन, अगर आपको किसी की बॉडी में इंटरफेरॉन मिल गया, मतलब इनमें से उनको कौन सी डिसीज पॉसिबल है, कौन सी डिसीज पॉसिबल है, वॉट इज पॉसिबल, इट इज जेनाइटल हर्पिस. जेनाइटल हर्पिस. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोडक्ट ऑफ इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन. 31 इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन का प्रोडक्ट है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोडक्ट ऑफ इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन. तो इट इज हिनी. म्यूल है, हिनी है, दो स्पीशीज है, डंकी और हॉर्स, इनका क्या है, क्रॉस है. तो 31 का हो जाएगा ए. क्वेश्चन नंबर 32 पर आ जाएंगे हम लोग. 32 पे आइए, बताइए ये पी क्या है, ये क्यू क्या है, ये आर क्या है, ये एस क्या है. बताइए बेटा. इट इज दिस. पी क्या है आपका, प्रो इंसुलिन है अभी, है ना, अभी इमेच्योर है. फिर ये अलग कर देंगे तो ये ए है, ये बी है, और इसको रिमूव कर दिया सी, जो इमेच्योर बनाता है. और ये किससे कनेक्टेड है, डायसल्फाइड ब्रिजेस से. विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसजेनिक एनिमल्स आर यूज्ड इन टेस्टिंग ऑफ पोलियो वैक्सीन. पोलियो वैक्सीन को टेस्ट करने में कौन यूज होते हैं, तो पोलियो वैक्सीन की जो टेस्टिंग करवा रहे हैं ह्यूमन को देने के पहले, तो वो किस में होती है, माउस में होती है, ट्रांसजेनिक माइस. वॉट इज द मेजर एडवांटेज ऑफ रिकॉम्बिनेंट थेराप्यूटिक प्रोडक्ट्स ओवर सिमिलर प्रोडक्ट्स आइसोलेटेड फ्रॉम नॉन ह्यूमन सोर्सेस. बताओ मेजर एडवांटेज क्या है रिकॉम्बिनेंट थेराप्यूटिक प्रोडक्ट्स का. तो एक्चुअल में सबसे पहले जब रिकॉम्बिनेशन करके हम कुछ भी थेरेपी प्रोडक्ट बनाते हैं, कुछ भी बनाते हैं,
इससे क्या होता है कि एलर्जी नहीं होती। जैसे एक एग्जाम्पल एनसीईआरटी में दिया है ना कि जब इंसुलिन कहाँ से ला रहे थे हम, स्लॉटर करके ला रहे थे पिग्स वगैरह को, है ना, एनिमल्स को, तो लोगों में क्या हो रहा था, इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट हो रहा था, एलर्जी हो रही थी। पर जब रिकॉम्बिनेंट इंसुलिन यूज करा ह्यूमुलिन, तब एलर्जी होना बंद हो गई। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट यूरोकॉर्डेट, यूरोकॉर्डेट के बारे में ट्रू क्या है? 35 ट्रू क्या है अबाउट यूरोकॉर्डेट, कि जो नोटोकॉर्ड प्रेजेंट ओनली इन दी लार्वल सेल। तो बेटा अभी हम जूलॉजी का सेक्शन कर रहे थे ना, इसमें से हमने क्या करा, 1 से लेके 35 ऑल अटेम्प्ट करते हैं। सेक्शन बी में हम 36 से 50 में से एनी 10 करेंगे, तो आगे वाले आप कोई भी 10 कर सकते हो, फिर आखिरी में मुझे मार्क्स कैलकुलेट करके बताना। ये क्लास डेली रात को 8 बजे होती है बेटा, 8 बजे टाइम पे आओ, नीट तक डेली फुल सिलेबस मॉक दो, है ना, इससे आपको पता चलेगा आप क्या स्टैंड कर रहे हो। और यही क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। देखो सीधी बात है, एनसीईआरटी से पेपर आएगा, एनसीईआरटी की 2 किताबें हैं, है ना, तो क्वेश्चंस कैन नॉट बी क्रिएटेड, क्वेश्चंस कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, है ना, एक बना नहीं सकते तुम क्वेश्चन को, मिटा नहीं सकते, इट कैन जस्ट बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू दी अदर। मतलब आज ऐसा पूछा है, ये पूछ लिया है कि ह्यूमुलिन क्या है, ह्यूमुलिन का फुल फॉर्म, तो तुम बता दोगे ह्यूमन इंसुलिन। कल पूछ लेंगे ह्यूमुलिन का शॉर्ट फॉर्म, ह्यूमन इंसुलिन का शॉर्ट फॉर्म, तो ह्यूमुलिन। ऐसे ही करके क्वेश्चंस इधर उधर होते हैं। तो 36 का आंसर हो जाएगा रॉन्ग, लिम्फोसाइट्स वाइट फैट स्टोर थोड़ी करता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, करेक्ट कौन सा है, 37, विच वन इज करेक्ट, कौन सा करेक्ट है इसमें, बताओ जल्दी से 37 में। वेरी गुड, तो 37 का क्या आंसर हो जाएगा डी। ए भी करेक्ट है, बी भी करेक्ट है, बस ये जो पल्मोनरी आर्टरी होती है ये डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या करती है, कैरी करती है, ठीक है। एक्टिन प्रोटीन अकर्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग टू फॉर्म, एक्टिन प्रोटीन किस फॉर्म में होता है, किन दो फॉर्म में होता है, तो जो एक्टिन होता है वो दो फॉर्म में होता है, एफ एक्टिन और जी एक्टिन। एफ एक्टिन क्या होता है, पॉलीमरिक होता है, और जी क्या होता है, मोनोमरिक होता है। तो 38 का क्या हो जाएगा, 38 का बी हो जाएगा, 38 का बी हो जाएगा, बहुत अच्छा बेटा। नेक्स्ट, ओवरऑल कंट्रोल ऑफ द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इज मेंटेन्ड बाय सेंटर्स इन दी, जो ओवरऑल कंट्रोल हो रहा है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का, कौन मेंटेन करता है उसे, कौन मेंटेन करता है, दोनों मेंटेन करते हैं बेटा, मेड्यूला भी मेंटेन करता है और हाइपोथैलेमस भी मेंटेन करता है। तो 39 का आंसर हो जाएगा हमारा डी, बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेवल ऑफ ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन आर मिनिमम एट द टाइम ऑफ डैश फेस, लेवल ऑफ ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन मिनिमम होते हैं किस फेस में, एट द ऑनसेट ऑफ द मेंस्ट्रुअल, फिर बाद में तो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है ना प्रोजेस्टेरोन, तो जो लेवल होगा ईस्ट्रोजन का और प्रोजेस्टेरोन का ये मिनिमम होगा एट द ऑनसेट ऑफ द मेंस्ट्रुएशन, बाद में तो बढ़ जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्ट, इनमें से कौन सा पेयर करेक्ट है बेटा, 41 कौन सा पेयर करेक्ट है, टेस्टोस्टेरोन इज सिक्रीटेड बाय सर्टोली सेल, नहीं, FSH is secreted by testis, नहीं, anterior pituitary, prolactin तो milk form करता है, milk ejection तो कौन करता है, milk ejection करता है oxytocin, तो बचा क्या बेटा करेक्ट में, बचा ये ABP क्या करेगा, concentrate करेगा testosterone को, ठीक है। next पे आ जाओ, ABP क्या होता है, एबीपी होता है एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, इन केस किसी को नहीं पता है बेटा, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन होता है, ये कौन सिक्रीट करता है, ये सर्टोली सेल से सिक्रीट करता है, और इसका क्या काम होता है, सेमिनी फेरस ट्यूब्यूल में, सेमिनी फेरस ट्यूब्यूल्स में, और इसका काम क्या रहता है, हाँ ये बाइंड करता है टेस्टोस्टेरोन को और इसको कंसंट्रेट करता है। Not related to lipids loop, lipids loop से related नहीं है, lipids loop IUD है, बिल्कुल IUD है, intrauterine device है, non-medicated है क्या, हाँ non-medicated है, कैसे action करती है,
फेगोसाइटोसिस करती है स्पर्म का, तो इसका मतलब क्या है कि आखिरी वाला रिलेटेड नहीं है। बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रहे हो बेटा, वेरी गुड। डेली रात को 8 बजे ये मॉक होती है, आ जाया करो, है ना। फिजिकल बैरियर नहीं है ये। प्रोजेस्ट्रॉन्स अलोन और इन कॉम्बिनेशन विथ ईस्ट्रोजन कैन बी यूज एज द कॉन्ट्रासेप्टिव इन दी फॉर्म ऑफ, बताइए। तो जो प्रोजेस्ट्रॉन है, या तो इसको अकेला यूज करते हैं या फिर प्रोजेस्ट्रॉन और ईस्ट्रोजन की एक पिल बनाते हैं, ठीक है, और ये इसको पिल के फॉर्म में दे देते हैं फीमेल को, या फिर इंजेक्ट कर देते हैं, है ना, या तो इम्प्लांट, सब क्यूटेनियस इम्प्लांट। तो धीरे धीरे हॉर्मोन क्या होता है उसमें रिलीज होता रहता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसिडर्ड एज एन एविडेंस फॉर द फर्स्ट पार्ट ऑफ द कॉन्जेक्टर्ड स्टोरी ऑफ द ओपेरिन एंड हेल्डन। क्या पूछना चाह रहे हैं ये पूछना चाह रहे हैं कि सबसे पहले मतलब किस चीज ने इसकी बुनियाद लेकर ही, मतलब ओपेरिन और हेल्डन ने क्या सोचा कि मतलब ये जो इनके एक्सपेरिमेंट में क्या बन रही थी, जो चीजें बन रही थी, है ना, ये कहीं और भी बनी, है ना, और भी मिली इनको। कहाँ मिली इन लोगों को? मिट्योर्स पे मिली। तो इससे क्या समझ में आया? मतलब देखो ना यार, एक्चुअल में मतलब नहीं समझ में आ रहा क्या कॉन्जेक्टर्ड का। कॉन्जेक्टर का मतलब होता है कि कोई भी ओपिनियन है, है ना, जो तुमने किसी इंफॉर्मेशन के बेसिस पे बनाया है। तो जब मिट्योर्स में सेम केमिकल मिले जो ओपेरिन और हेल्डन की एक्सपेरिमेंट में मिले, तो इन दोनों चीजों को कनेक्ट करके हम समझ सकते हैं कि हो सकता है कि यही एक्सपेरिमेंट, यही चीज उस दुनिया में उस टाइम पे हो रही होगी। इफ अ सेक्शन ऑफ अ पॉपुलेशन इज ड्रिफ्टेड टू एन आइसोलेटेड ज्योग्राफिकल एरिया, देन एक पॉपुलेशन का सेक्शन लिया, इसको आइसोलेट कर दिया किसी ज्योग्राफिकल एरिया में, तो क्या होगा? इससे क्या आ जाएगा? रैंडम चेंज आ जाएगा, ठीक है, इन दी अलीलिक फ्रीक्वेंसी। बेटा बस 5 क्वेश्चंस बचे हैं ना, इतना कर लो, सिर्फ 5 क्वेश्चंस बचे हैं। ये क्लास डेली रात को 8 बजे होती है, आ जाओ। एक बार सेशन खत्म होगा मैं आपको बढ़िया जन्माष्टमी भी विश कर दूंगी, बहुत बच्चों ने विश करा है, और जो बच्चों ने बढ़िया परफॉर्म करा है उनको मैं शाउट आउट भी दूंगी, पक्का सबको शाउट आउट मिलेगा। विच इज नेसेसरी फॉर अचीविंग गुड हेल्थ, अच्छी हेल्थ अचीव करने के लिए क्या क्या जरूरी है? बैलेंस्ड डाइट जरूरी है, बढ़िया खाओ, है ना, डेली एक्सरसाइज करो, वेक्टर को कंट्रोल करो, है ना, मच्छर मक्खी इन सबको, और हाइजेनिक फूड एंड वाटर। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट मोइट? मोइट क्या है? मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर 47। तो इसमें ये गलत लिखा है, जो फर्टिलाइज्ड एग है इनको नॉन सर्जिकली रिमूव करते हैं, रिकवर करते हैं मोइट में। बायोपायरेसी क्या है? 48। क्वेश्चन नंबर 48 पे आ जाओ। सो इट इज द यूज ऑफ बायो रिसोर्स ऑफ अ कंट्री विदाउट गिविंग द ड्यू बेनिफिट्स। मतलब चोरी कर लेना बेटा, किसी और की कंट्री का प्रोडक्ट चोरी करके अपने नाम पे करवा लेना, या फिर उसको यूज करना और उसके बदले में उनको उस चीज की वो नहीं देना, उसको क्रेडिट नहीं देना या उनको मनी नहीं देना। निमेटोड रेजिस्टेंट टबैको प्लांट क्रिएटेड बाय इंट्रोड्यूसिंग निमेटोड स्पेसिफिक जीन वर इंट्रोड्यूस्ड बाय यूजिंग। बेटा जो भी बच्चे अनअकैडमी यूज करते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, मेरी अनअकैडमी के लिंक है, वहां फॉलो कर लेना। वहां पे भी रात को आज मॉक होने वाली है 10:30 पे, अब मेरा मॉक वहां भी अटेंड कर सकते हैं। 49 का आंसर है ए, एग्रोबैक्टेरियम। कॉन्जेनाइटल डिसीजेस आर, कॉन्जेनाइटल डिसीज क्या होती है? कॉन्जेनाइटल डिसीज क्या होती है बेटा? इसका आंसर बताओ जल्दी से। तो हमने इस तरह आज पूरे 100 क्वेश्चंस करे न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग। अब आप मुझे मार्क्स बताओगे, आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं आज 360 में से, मैं आप लोगों को शाउट आउट दूंगी। सभी बच्चों को मेरी तरफ से अ वेरी 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 हैप्पी जन्माष्टमी, एंड आई होप दिस फेस्टिवल इज गोइंग टू ब्रिंग यू अ लॉट ऑफ जॉय, लॉट ऑफ हैप्पीनेस एंड लॉट ऑफ सक्सेस, है ना। बहुत अच्छा आपका फेस्टिवल हो, आगे आने वाला नेक्स्ट मंथ और ज्यादा अच्छा हो, क्योंकि नीट है,
आप लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, बस आपकी मेहनत को बहुत अच्छा मतलब प्रोडक्टिव मिले कि बढ़िया मार्क्स आ जाए आपके, दिस इज ऑल आई वॉन्ट। ये क्लास डेली रात को 8 बजे होती है बेटा, डेली रात को 8 बजे आके सॉल्व करो। कहाँ तक सॉल्व करना है, जब तक नीट नहीं हो रही है, ठीक है। इफ यू हैव एंजॉयड द सेशन, बढ़िया लगा हो सेशन, तो डोंट फॉरगेट टू लाइक इट। बिल्कुल लाइक कर दो। डिसीजेस प्रेजेंट फ्रॉम बर्थ, बेटा 50 का आंसर ए है, ठीक है। तो चलिए बेटा, मैं बायोलॉजी पढ़ाती हूँ अब। मैं उन बच्चों को शाउट आउट देना चाहती हूँ जो कब से मतलब बढ़िया आंसर दे रहे हैं। तो चलिए बताइए, कौन कौन बच्चा पूरे सेशन में बहुत एक्टिवली आंसर दे रहा था, किस किस को शाउट आउट चाहिए। नाउ इट इज अ टाइम फॉर अ मेजर शाउट आउट टू ऑल दी स्टूडेंट्स, हैप्पी जन्माष्टमी। चलिए मैं शाउट आउट देती हूँ बच्चों को जिन्होंने बढ़िया परफॉर्म करा है। मेघा, देबालिना, चिरांशी, डेविल, साक्षी, नेहा, रोनित, पाटिल, एंजलीना, प्लेज, नेहा, रिमझिम, सिया, मारिया, शहमीन, कुलसुम, गुरु, प्रीतम, अनु, प्रिया कुमारी, विवेकानंद, चिरांशी, दीपक, कॉफी, निशा, सुहेल, जोया, सुनील, अनु, विवेकानंद, आशा, पुष्कर, प्रिया कुमारी, अंकिता, सार्थक, जानवी, दिव्या, कीर्तन, निवेदिता, कृष्णा, गोविंद। बेटा जिस जिसका शाउट आउट रह गया है जल्दी से बताओ। जेनी, शालू, निकिता, अनु, अजीता, स्नेहा, यूआरएस, कौशल, स्निग्धा, अजीता, वंशिका, कुणाल, सुकन्या, अनु, कुणाल, वंशिका, कीर्तन, रजत, सोनारिका, रुहुल, डिंपल, स्नेहा, शिवम, हर्षद, फलक, संजय, फतिमा, कुणाल, शैल, गोमशी, संस्कृति, सुकन्या, और भी कोई रह गया हो तो जल्दी बताओ, सबको शाउट आउट देते हैं। अमित, अभिषेक, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। दीपिका, वेरी गुड। चलिए कल रात को 8 बजे फिर मिलते हैं हम लोग। रहमान, शैल, राउत, चौधरी, अंजनी, श्वेता, मुस्कान, निवेदिता, शमीम, अख्तर, मधुसूदन, दर्शन, एग्री, विकास, निवेदिता, संजय, विकास। ओके बेटा, तो आई होप यू माइट हैव एंजॉयड दी सेशन। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और कल रात को फिर 8 बजे आ जाना। बाय।